हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी किसी एरिया के पॉपुलेशन में क्या कंपोजिशन है, कितने कैसे लोग रहते हैं, कितने मेल रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, है ना, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहा पीपल्स ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट, किसी भी कंट्री में जो लोग होते हैं डाइवर्स होते हैं कई तरह से, कई रिस्पेक्ट में देखा जाए। ईच पर्सन इज यूनिक इन हर ओन वे, तो क्या करें कि हर पर्सन जो अपने तरीके में यूनिक होता है। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, पीपल को हम लोग अलग बांट सकते हैं उनके एज के हिसाब से, उनके सेक्स के हिसाब से, उनके रहने के जगह के हिसाब से। सम ऑफ द अदर डिस्टिंग्विशिंग एट्रीब्यूट तो पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशन कर, और किस तरीके से बांट सकते हैं, तो ऑक्यूपेशन के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के आधार पर, यानी कोई आदमी कितने साल जीता उस आधार पर। तो सबसे लोग पढ़ते हैं सेक्स कंपोजिशन, द नंबर ऑफ वीमेन एंड मेन इन अ कंट्री इज इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या करा है कि नंबर ऑफ मेन और वीमेन जो किसी कंट्री में है वहाँ के इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ वीमेन एंड द मेन इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो, तो रेशियो को हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं, जो नंबर ऑफ वीमेन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मेन, इस तरीके से देखा जाए। इन सम कंट्रीज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला, लेकिन किसी किसी देश में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, मेल पॉपुलेशन बाई फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000, है ना, तो 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स रेशियो। इन इंडिया द सेक्स रेशियो वर्क यूजिंग द फॉर्मूला, लेकिन इंडिया में इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। द सेक्स रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ कंट्री, स्टेटस ऑफ वीमेन इन ए कंट्री, तो सेक्स रेशियो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है कि उस कंट्री में वीमेन का क्या स्टेटस है इस बारे में। इन रीजन वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वीमेन, क्या करें कि जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पर सेक्स रेशियो काफ़ी कम होता है ना, वीमेन के प्रति अनफेवरेबल होता है। सच एरिया दोज वेयर द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन आर प्रिवेलेंट, ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड के अगेंस्ट प्रैक्टिस करना, मतलब कि पेट में ही मार देना, बोल सकते जन्म लेने के पहले ही मार देना फीमेल को, इन्फेंटिसाइड जन्म लेने के बाद बचपन में मार देना, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर होता है, प्रिवेलेंट होता है। वन ऑफ द रीजन कुड बी लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वीमेन इन दिस एरिया। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वीमेन इन द पॉपुलेशन डजेंट मीन दे हैव अ बेटर स्टेटस, लेकिन क्या करें कि आप ये भी समझना होगा आपको कि ज़्यादा वीमेन का संख्या होने का मतलब ये नहीं है कि बेटर कंडीशन हो गया उनका। इट कुड बी दैट द मेन माइट हैव द माइग्रेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इसका ये मतलब भी हो सकता है, वीमेन का संख्या किसी एरिया में ज़्यादा है तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वहाँ से मेन जो है दूसरे एरिया में जा करके अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर दूसरे एरिया में चले गए हैं। नेक्स्ट, नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज, फीमेल है बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर मेल्स एज दे टेंड टू बी मोर रिजिलिएंट देन मेल्स, एट डिसएडवांटेज कैंसिल आउट, क्या कह रहा है कि फीमेल के पास एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है मेल के प्रति, है ना, कि दे टेंड टू बी मोर रिजिलिएंट देन मेल्स, एट डिसएडवांटेज इज कैंसिल आउट बाय द सोशल डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय देयर फेस, लेकिन इसका जो एडवांटेज है ना उसको कैंसिल किया जाता है वीमेन, मतलब कि इसको नज़रअंदाज करते हुए जो है उनके ऊपर काफ़ी सोशल डिसएडवांटेज होता है समाज में, उनको काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है। ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट अ सेक्स रेशियो ऑफ 102 मेल्स फॉर 100 फीमेल्स, क्या करें कि यदि देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 102 मेल्स पे 100 फीमेल है ना। द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज बीन रिकॉर्डेड इन लाटविया, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो लाटविया में है, लाटविया एक देश है जहाँ पे 85 मेल पे 100 फीमेल, इन कॉन्ट्रेस्ट इन कतर देर आर 301 मेल फॉर 100 फीमेल, लेकिन वहीं देखा जाए तो कतर में उल्टा है, 100 फीमेल के लिए वहाँ पे 311 मेल है, या फिर इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं। तो कतर में सबसे खराब सेक्स रेशियो है और लातविया में सबसे ज़्यादा है। द वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डजेंट एग्जिबिट वेरिएशन इन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, द सेक्स रेशियो फेवरेबल फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज, सेक्स रेशियो फेवरेबल है 139 देश में एंड अनफेवरेबल इन द रिमेनिंग 72 कंट्रीज लिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, है ना, तो बाकी का जो कंट्री वहाँ पे अनफेवरेबल है। इन जनरल एशिया है लो सेक्स रेशियो, यदि देखा जाए तो एशिया में लो सेक्स रेशियो कंट्री लाइक चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लोअर सेक्स रेशियो। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया फिर मेल्स आर इन माइनॉरिटी, यदि यूरोप में देखा जाए तो वहाँ पर मेल्स माइनॉरिटी में है। अ डेफिसिट ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज एट्रीब्यूटेड टू द बेटर स्टेटस ऑफ वीमेन, तो क्या करें वहाँ पे बेटर स्टेटस ऑफ वीमेन समझा जाता है एंड एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट, इसका एक रीजन ये भी है कि क्योंकि वहाँ से कई मेल जो है दूसरे एरिया में जाकर के माइग्रेट कर गए हैं, है ना, पहले ही। नेक्स्ट, एज स्ट्रक्चर, तो एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, तो एज स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है कि उस कंट्री में कितने एज के कितने लोग हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है सिंस लार्ज पॉपुलेशन इन द ग्रुप ऑफ 15 to 59 इंडिकेटर लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, जैसे यदि 15 बरस से 59 साल के बीच में ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो इसका मतलब वहाँ का वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 60 ईयर से ज़्यादा के यदि लोग हैं इसका मतलब वहाँ पर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है।
तो मतलब वहाँ पे बूढ़े लोगों का पॉपुलेशन ज़्यादा, सिमिलरली हाई प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन बिटवीन द रीजन ऑफ हाई बर्थ रेट। वहीं ये देखा जाए तो यदि छोटे बच्चों में पॉपुलेशन यदि ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ का बर्थ रेट ज़्यादा है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट एज सेक्स पिरामिड, तो इसी के आधार पर जो हम लोग डाटा भी पढ़े उसके आधार पर एज सेक्स पिरामिड बनाया जाता है, पिरामिड बनाया जाता है। तो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रेफर टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो एज सेक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं किसी डिफरेंट एज ग्रुप में। अ पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज टू शो सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक। द पॉपुलेशन पिरामिड का जो शेप है ये हमको बताता है कि वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ का पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कितने लोग वहाँ पर रहते हैं। द लेफ्ट साइड शो द परसेंटेज ऑफ मेल वाइल द राइट साइड शो द परसेंटेज ऑफ वीमेन। तो पिरामिड में दो साइड रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट है एक राइट है, तो लेफ्ट साइड में मेल को दिखाया जाता है, यहाँ फीमेल को दिखाया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, शुरू से देखते हैं, जैसे यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ देखते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया एज यू कैन सी इज अ ट्रेंगुलर शेप्ड पिरामिड विद अ वाइड बेस एंड टिपिकल ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्री। जैसे कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं ये नाइजीरिया का है ना, एज सेक्स पिरामिड यहाँ पे नाइजीरिया का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेस काफ़ी बड़ा है, बेस काफ़ी बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ का बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऊपर जाते जाते काफ़ी पतला हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा जो है पिरामिड जो अधिकांशता लेस डेवलप्ड कंट्री या फिर जो कम डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहाँ का बनता है, ठीक है। नीचे में बेस काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन जो है यहाँ पे कंट्री उतना डेवलप नहीं, इसलिए यहाँ पे लिविंग कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहता है। तो आदमी जो है 50-60 साल होते होते डेथ कर जाता है, उसके बाद काफ़ी कम लोग जो है 85 के पास जाते हैं, है ना, काफ़ी कम लोग जो है 85 प्लस बनते हैं, मतलब कि 85 से ज़्यादा साल जीने वाले काफ़ी कम संख्या में लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ का वर्किंग कंडीशन लिविंग कंडीशन ख़राब है। तो ऐसा कहाँ का होता है जहाँ पे बर्थ रेट हाई होता है और वहाँ पे मेनली जो है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का पिरामिड बनाया जाता है, तो ऐसा बनता है। आप देख सकते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का यदि बनाया जाए, इफ़ यू कंस्ट्रक्ट द पिरामिड ऑफ बांग्लादेश मेक्सिको इट विल लुक द सेम। यदि बांग्लादेश का बनाया जाए मेक्सिको का बनाया जाए तो ऐसा ही दिखेगा, है ना। आगे पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, ये तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब जहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट है तो ऑस्ट्रेलिया एस एक्स पिरामिड इज बेल शेप्ड एंड टुवार्ड टेपर्ड टुवार्ड द टॉप। क्या करें, बेल के शेप का है और ऊपर में काफ़ी पतला है। दिस शो बर्थ रेट डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ पे मतलब कि इससे क्या पता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग इक्वल है, लीडिंग टू नियर कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन, जिस कारण से पॉपुलेशन लगभग कॉन्स्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जन्म लेने वाले के लोगों की संख्या कम है, बीच में यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर कम है, ज़्यादा हो रहा है ना, इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग कॉन्स्टेंट है ना, इस तरीके से। तो जो डेवलप्ड कंट्री होता है वहाँ का पॉपुलेशन पिरामिड ऐसा बनता है। अब पढ़ते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो जापान पिरामिड है जो नैरो बेस एंड द टेपर टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट। क्या कह रहा है कि यहाँ पे लो बर्थ और डेथ रेट को दिखाया जा रहा है। तो पॉपुलेशन ग्रो इन डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली जीरो नेगेटिव। तो यहाँ पे मतलब जो पॉपुलेशन ग्रो होता है डेवलप्ड कंट्रीज के यदि निकालेंगे तो ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पे जो बर्थ रेट है काफ़ी कम है, देख सकते हैं पॉपुलेशन बर्थ रेट काफ़ी कम है और इस तरीका का पॉपुलेशन पिरामिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब दिया है एजिंग पॉपुलेशन या एजिंग पॉपुलेशन, जैसे आप लोग पढ़ में देखिए पॉपुलेशन का एज यदि बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे यदि 60 प्लस लोग या 65 प्लस लोग ज़्यादा है, बूढ़े लोगों की संख्या यदि ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एजिंग द प्रोसेस बाय व्हिच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम प्रोपोर्शनली लार्जर। एजिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोपोर्शन है जो टोटल जनसंख्या में बूढ़े लोगों की संख्या वो ज़्यादा हो चुका है। दिस इज अ न्यू फेनोमेनन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का एक नया घटना है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज हायर एज ग्रुप है इनक्रीज। देख रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है दुनिया में वहाँ पे जो हायर एज की पॉपुलेशन है बढ़ चुका है ड्यू टू इनक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि वहाँ पे जीने का जो दर है वो ज़्यादा है, ज़्यादा एज तक लोग जी रहे हैं क्योंकि वहाँ का वर्किंग कंडीशन या लिविंग कंडीशन ठीक है, विद अ रिडक्शन इन द बर्थ रेट, लेकिन जो बर्थ रेट कम हो चुका है यानी कि सप्लाई इधर से कम हो चुका है। द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन द पॉपुलेशन इज डिक्लाइन, यानी कि इसी कारण से जो चिल्ड्रेन का नंबर था या प्रोपोर्शन था वो कम हो चुका है। अब है रूरल अर्बन कंपोजिशन, है ना, कितने लोग देहात में रहते हैं कितने लोग शहर में रहते हैं। द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इन टू रूरल एंड अर्बन बेस्ड ऑन द रेसिडेंस, क्या करें कि जो उनके रेसिडेंस पर डिपेंडेंट है। दिस डिवीजन इज नेसेसरी बिकॉज रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये डिवीजन भी नेसेसरी है, क्यों, क्योंकि रूरल और अर्बन जो लाइफ स्टाइल है इननेसेसरी है, मतलब कि जानना जो है एक दूसरे से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ लिवलीहुड एंड सोशल कंडीशन, रहने के कंडीशन या फिर उनके लिवलीहुड में। द एज सेक्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेरी बिटवीन रूरल एंड अर्बन, तो हर चीज़ जो है रूरल और अर्बन एरिया में डिफर करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द क्रिटेरिया फॉर डिफरेंशिएटिंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो क्या करें, किस एरिया को रूरल कहेंगे, ग्रामीण कहेंगे, किस एरिया को शहरी कहेंगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वेरी करता है।
इन जनरल टर्म्स रूरल एरिया आर दोज वेयर द पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। आसानी से समझा जाए तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज में जहाँ पे ज़्यादा लोग एंगेज है तो उसको रूरल एरिया बोलते हैं, जहाँ पे जो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज ज़्यादा हो रहा है उसको अर्बन एरिया बोलते हैं। फिगर 3.0 हाउ रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड कंट्री, तो आगे एक फिगर मिलेगा हम लोग को, पहले वो देख ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन किसी किसी कंट्री का, तो ये वाला जो टर्म है रूरल है और सॉरी अर्बन है, और जो ब्लैक एंड व्हाइट है रूरल है। यहाँ पे देख सकते हैं कैसा कौन है, ठीक है कहाँ गया यार। तो जैसे आप जिम्बाब्वे का देख सकते हैं तो 1032 है अर्बन कंपोजिशन और 1087 है रूरल कंपोजिशन, ये सेक्स कंपोजिशन का बात किया जा रहा है यहाँ पे। वहीं कनाडा में जो है अर्बन संख्या में कम है, रूरल में सॉरी अर्बन में ज़्यादा रूरल में कम है, तो हर जगह आप देख सकते हैं। लेकिन नेपाल में आप देख सकते हैं अर्बन में कम है रूरल में ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ वीमेन दिखा रहा है कि 1000 मेल पे कितने नंबर ऑफ वीमेन है। तो न्यूजीलैंड में जैसे देहात में कम संख्या है लेकिन शहर में संख्या ज़्यादा है वीमेन का, है ना। तो आप यहाँ पे कुछ कुछ कंट्री का दिखाया गया, हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सो द अर्बन रूरल सेक्स कंपोजिशन सिलेक्टेड कंट्री, द रूरल एंड अर्बन डिफरेंस इन सेक्स इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्री लाइक फिनलैंड और जस्ट अपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। तो क्या करा है कि जैसे देखा जाए तो जो कनाडा या फिर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जो आपको देखने को मिल रहा है वो ठीक उल्टा है जो अफ्रीकन कंट्री में या फिर एशियन कंट्री जैसे जिम्बाब्वे और नेपाल में है। इन वेस्टर्न कंट्रीज मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरिया एंड फीमेल आउट नंबर मेल्स इन अर्बन एरिया। जैसे देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में जो है मेल ज़्यादा संख्या में है फीमेल में रूरल एरिया में, है ना। मतलब रूरल एरिया में देखा जाए तो फीमेल का संख्या कम है, 1000 मेल पे फीमेल का संख्या कम है लेकिन शहर में वो संख्या ज़्यादा है। वहीं नेपाल पाकिस्तान ये सब इंडिया में इसका केस रिवर्स है, संख्या जो है इसका उल्टा है। द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरिया ऑफ USA कनाडा एंड यूरोप इज द रिजल्ट ऑफ इनफ्लक्स ऑफ फीमेल फ्रॉम रूरल टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। क्या करें जो एक्सेस जो फीमेल USA और कनाडा की यूरोप में जो आप देख सकते हैं, तो एक्चुअली है क्या तो गांव से यहां जो है जैसे नॉर्मली होता क्या है इंडिया में कि गांव से सिर्फ जो है मेन लोग जाते हैं शहर में काम करने, तो इसलिए ऐसा है। लेकिन वहां क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों जाते हैं, है ना, इस कारण से ऐसा है। फार्मिंग इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो हाईली मेकनाइज रिमेंस लार्जली मेल ऑक्यूपेशन। क्या करें कि खेती जो है दूसरे कंट्री में मेनली मशीन से होता है इसीलिए वहाँ पे मेल ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो फार्मिंग आज भी हाथ से होता है और इसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि मेल लोग तो माइग्रेट करके शहर चले जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिंग दैट इन कंट्रीज लाइक इंडिया पाकिस्तान इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन फार्मिंग एक्टिविटी रूरल फेयरली है ना। मतलब इंडिया में देखा जाए तो फार्मिंग एक्टिविटी में वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज डिस्करेज वीमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। क्या करें कि वीमेन लोग रूरल से अर्बन एरिया में इंडिया में क्यों नहीं जाते हैं, तो उसका कई रीजन है। पहला शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, शहर में रहने का कॉस्ट ज़्यादा होता है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटी, सिक्योरिटी का कमी होना, ये सब जो है इसके कारण से वीमेन जो है शहर में नहीं जा पाती है। नेक्स्ट है लिटरेसी, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इन एन इंडिकेटर ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या करें कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, एक कंट्री के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताता है, वहाँ के लिविंग के स्टैंडर्ड के बारे में दिखाता है, फीमेल के सोशल स्टेटस के बारे में दिखाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ काउज एंड कंसिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। क्या करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, ये काउज भी है और कंसिक्वेंस भी है, मतलब कि कारण भी है लिटरेसी का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है लिटरेसी का कारण भी है, रिजल्ट भी है। कैसे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो लिटरेसी ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब होगा कि इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो लिटरेसी का कारण है। अब इसका उल्टा समझिए, लिटरेट होगा कोई सर, मतलब कि कहाँ की जनता यदि ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कारण भी है यहाँ पर और रिजल्ट भी है लिटरेसी का। इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 ईयर ऑफ एज। तो इंडिया में लिटरेसी निकालने के लिए 7 साल से बड़े लोगों को देखा जाता है यहाँ पे, हु इज एबल टू रीड राइट एंड हैव द एबिलिटी टू अरिथमेटिक कैलकुलेशन विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, हल्का फुल्का छोटा मोटा मैथ अपने कैपेसिटी से बना सकता है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कितने लोग किस काम को करते हैं यहाँ पे देखा जाता है। द वर्किंग पॉपुलेशन मेन एंड वीमेन 15 to 59, जैसे पहले बताएं 15 से 59 साल के लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन कहा जाता है। टेक पार्ट इन वेरियस ऑक्यूपेशन, कई तरह के काम करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब काम करते हैं, फिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटी। तो ये सबको प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं, आई थिंक पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे ज्योग्राफी में या फिर इकोनॉमिक्स में भी। मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी कहते हैं और बाकी जो बच गया उसको
टर्शियरी कहते हैं या सर्विस सेक्टर को कहते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पब्लिक वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन दीज फोर सेक्टर गुड इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दिखाने के लिए है ना, तो कहाँ कहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं सब जरूरी होता है। जैसे बिकॉज ओनली ऑन डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन एकोमोडेट मोर वर्कर्स इन द सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी सेक्टर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे जो ज़्यादा पॉपुलेशन होता है ये सब सेक्टर में वर्क करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री या लेस डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटी करती है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है कि इसमें जो आपको एमसीक्यू दिख रहा है ठीक है उसको आपको जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ है, बाकी का दो क्वेश्चन नीचे है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।